कृष्ण एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूँ भावनी रावत एंड आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चाहे आप आज छोटी दिवाली मना रहे हैं या बड़ी दिवाली मना रहे हैं, वैसे इस बार 2 दिन की आ रही थी ना दिवाली, मतलब अलग अलग टाइम पे। एंड क्योंकि हमारे इस बार जो है दिवाली नहीं है, तो मैं और मेरा भाई जा रहे हैं दिवाली सेलिब्रेट करने नानियों के घर पर, और हमारे साथ मम्मी भी नहीं जा रही है। हम लोग आज अकेले जा रहे हैं, और मतलब खुद से जा रहे हैं टेम्पो। पहली बार खुद ऐसा, मतलब टेम्पो या किसी भी ट्रांसपोर्ट में खुद जा रहे हैं। बहुत ही डर सा लग रहा है, बट जाना तो पड़ेगा ही, अब घर से बाहर तो निकलना ही है। डर के आगे जीत है। हाँ, डर के आगे जीत है, डर के आगे नानी का घर है। तो गाइस, अभी ना 4:30 बज रहे हैं और हम जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार है ना, तो और आजकल रात बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है आज का आउटफिट, सूट पहन लिया है। मेरा भाई यहाँ पे समय को बर्बाद करते हुए टीवी देख रहा है। चले तो गाइस, हम दोनों निकल चुके हैं अपने सफर पे। लो सफर शुरू हो गया। हम दोनों कितना बड़ा हो रही है। अब हम जा रहे हैं दोनों जल्दी से, और पैसे देने की जिम्मेदारी इस पे है। ठीक है, तू दे दियो पैसे सही से। पैसे क्यों देने, भाग जाएंगे। तब बाय गाइस, यहाँ पे सोमा आ चुका है। चलो तब बाय, पापा यहीं पे हैं। चुके हैं नानी के घर पे। 3 टेम्पू बदलने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और जो रानी बखरी वाला टेम्पू था वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो रखी थी, इसलिए बनाई। और मिलो भाई से, आई हेलो कर दो, हैप्पी दिवाली बोल दो। हेलो बोल, हैप्पी दिवाली। तो अभी सबसे पहले आप सब मिलो हमारी बड़ी नानी से। नानी कैसे हो आप? हेलो बोलो। और कैसी जा रही है आपकी दिवाली? भाई। आज कौन सी दिवाली मना रहे हो, बड़ी की छोटी? बड़ी दिवाली। और खा लिए सोने पकौड़े? अच्छा, आप सब मिले हमारे छोटे भाई बहनों से। चलो आप बोलो, आप बोलो। विदांश, बंदूक किसने दी आपको? बंदूक किसने दी? गाइस, मिलिए वानी से। वानी, हैप्पी दिवाली। नहीं बोल रही वानी। तो यहाँ पे है हमारी बीच वाली मामी जो अभी आई है, और नानी भी आ गई। नानी कैसे हो? मना लिया आपने दिवाली? आज खा लिए सोले पकौड़े? दादी की तरह ही खड़ी हो जैसे। तो गाइस, यहाँ पे मामी ने रंगोली बना रखी है शुभ दीपावली की, बहुत अच्छी बना रही है। मेरे को दे दो पैसे, दिवाली का गिफ्ट दे दो मुझे। गाइस, आज मुझे पैसे मिल रहे हैं, देखो। आइयो, आप भी दे दो। हाँ, ले लिया। आदि देगा, मेरा भाई देगा। देखो गाइस, ये मैं आज अमीर हो गई है। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पैसे आज दिवाली का गिफ्ट। हाँ, पिद्दी नोट। तो गाइस, हमारे टेम्पो का सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था, बट बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया हमें। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़। अभी हो रहे हैं 6:30, और अभी हम सब लोग जलाने वाले हैं घर पे मोमबत्तियाँ। तो चलो चलते हैं बाहर, और बाकी जो छोटे छोटे मेरे भाई बहन है वो चले गए हैं, जलाने लगे हैं मोमबत्तियाँ। तो चलो जलाते हैं। Thank you.
चली रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगाते हूँ, तारों की बाराते हूँ, दूरी की नवाते हूँ, बस मुलाकाते हूँ, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। अभी पहले छोटी मामी ला गई है हमालिया पकौड़ियाँ, इतनी छोटी छोटी सी, क्यूट क्यूट सी, और साथ में आ गई हमें घी एंड वानी। ओ वानू वानू, वानू पकौड़ी खाओगे? खा लो। नहीं खाते? नहीं खाते आप? अच्छा। तो गाइज हमारे पहाड़ में बहुत फेमस है पकौड़ियाँ ऐसे वाली, तो इसलिए हम लोग दिवाली में सबसे ज़्यादा यही बनाते हैं, तो वही आज नानियों ने बना रखी है। गाइज ये देखो, ये काम करा है ये छोटे छोटे खुशी और बच्चों ने सबने, बहुत अच्छा। गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छा करा आप लोगों ने। रंग लगे दिवाली आई को रंगोली देखी थी कैसी थी, और अब देखो सब बच्चों ने कैसे कर दिया रंगोली को, सारा खराब कर दिया। अच्छाई को अब रोशन करे हम, आग में बुराई को जलाए। अपना हो जुए की चाहते कभी, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे, अजवाड़ा नी चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे। दीपावली अने दिन कुम संतोष से तन्नदे, होली सुडाई निर तेरे कुम दीपावली वंदने। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगाते हो, तारों की बाराते हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकाते हो, सबको यही देती संदेशा। Oh,
तो गाइस अभी हमारा दिवाली सेलिब्रेशन हो चुका है, हमने बहुत सारे पटाखे फोड़ लिया है और अब कपड़े चेंज कर लिया मैंने, मतलब मेरे भाई ने भी, सब आ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। अभी 8:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी खाने वाले हैं खाना, और यहाँ पे सारे भाई बहन है, तो चलो मैं फिर दिखा दिया आपको खाना। यहाँ पे बड़ी नानी यहाँ पे बड़ी नानी रख रही है सबके लिए खाना। आज मामी ने हमारे लिए बनाई है पनीर, साथ ही साथ रायता और यहाँ पे चावल है। मामी ने पकौड़ी बनाई थी पर हमने अभी वो खाई नहीं। आरी हमारा खाना खाने की, तो यहाँ पे पनीर, मटर पनीर, चावल और पकौड़ी है, साथ ही साथ रायता भी है। तो गाइस एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है सूर्यदेव के साथ और अभी टाइम हो रहा है 8:00 7:49 हो रहे हैं और अभी नानियों के घर में सब अपने कामों में लगे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन क्या क्या काम कर रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, मैं आपको दिखाती हूँ फिर नानी क्या काम कर रही है। हमारे यहाँ जो भी छोटे बच्चों का डिपार्टमेंट है वो खेलने में लगे हैं, और वो भी ऐसे खेलने में नहीं, फिजिकली फ़ोन में खेलने में लगे हुए हैं। ये भी खेल रहा है उनके साथ, और वो देखो वो अंदर है, और वो तो बाकी भी अंदर ही हैं खेल रहे हैं सब। यहाँ पे हमारी नानी ने बहुत सारी सब्जियाँ बो रखी हैं, जैसे कि ये पता नहीं इनको मैं पूछ के बताऊँ। तो गाइस नानी बताएगी आपकी नानी ने क्या क्या बो रखा है, बताओ नानी। धनिया, अरे यहाँ आगे थी यहाँ पे ऐसे बताओ ना। ये धनिया है, ये राई है, हाँ वो मिर्ची है, हाँ वो बैंगन है, उधर लहसुन है, इधर पालक है, इधर राई है, उधर भी धनिया है, पपीते का पेड़ है, केले है, हाँ इधर मिर्ची है। मतलब बाहर से सब्जी लाने की जरूरत ही नहीं है सब्जी तो और यहाँ पे नानी काट रही है गायों के लिए घास। अब मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता यहाँ पे। और आज मामी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, बड़ी मामी की आज मामी ने बनाया है यहाँ पे वो मैक्रोनी और तल। आज हम लोग सब यहीं पे खा रहे हैं और आज बड़ी मामी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो अब हम जाएंगे डॉक्टर में थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के बाद मामी को दिखाने। तो गाइस आज ये पास्ता वो छोटे बीच वाली मामी ने बनाया है, तो आज सारा क्रेडिट बीच वाली मामी को। बिल्कुल ना जैसे हार्डवेयर मिलती है ना बाहर, वो मिलती है जो मैक्रोनी सेम टू सेम वैसे ही हो रही है। मैंने करी उबाल के मैंने दिया। आदि कौन सा खाना खा रहा था? तो गाइस अब हम लोग खाने लगे हैं दिन का खाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या खा रहे हैं। और मामी की तबीयत, मामी आपकी तबीयत ठीक है? मामी आपकी तबीयत ठीक है? मामी की तबीयत अब थोड़ी सी ठीक है। आज खाने में है राजमा चावल, साथ ही साथ घी और पनीर रायता। बड़ी नानी बांट रही है, अपने बांटने का काम कर रही है नानी, और यहाँ पे खुशी भी खा रही है। इवानू खा रहे आप? है खाना खा रहे? खाना खाओगे? नहीं खाते? तो गाइस अब शाम के बज चुके हैं 5 और यहाँ पे दोबारा फिर मामी और बनाने लग गए हैं हमारे पकौड़े, क्योंकि अब घर भी लेके जाने हैं, तो दोनों मामी लग चुकी हैं पकौड़े बनाने के लिए दोबारा चूल्हे में। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और 5 बज चुके हैं अब, तो चलो फिर चलते हैं। नानी है, मेरी नानी है, आ जाएगी नानी। नाना बाय बाय। अच्छा नानी तो ठीक है, बाय बाय मामी, बाय बाय। चलो नानी बाय 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 खुशी।
चलो नानी बाय बाय। और हमें मामा छोड़ने जा रहे हैं। चलो मामी बाय बाय बाय। फाइनली हम घर आ चुके हैं और हम लोग बहुत पहले घर आ चुके थे, बट अब जाके मैं ये लास्ट वाला पार्ट बना रही हूँ व्लॉग का। तो बस हम लोग आ गए हैं घर और आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी को आपके आने वाले पर्व जैसे कि गोवर्धन पूजा और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए दिवाली, बिल्कुल पटाखे वटाखे फोड़िए, मिठाइयाँ खाएं, हम भी वही कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे, बाय बाय।